हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि टमाटर के साथ है। कभी कभी ना मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगती है, और कभी कभी आपको भी चेंज की ज़रूरत होती है। आप बार बार एक ही तरीके से सब्जी नहीं बना सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो भिंडी ले ली थी, उसको साफ़ करके काट लिया था, और मैंने चॉप किया हुआ दो टमाटर और दो प्याज ले लिए थे चॉप किए हुए, और एक प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया था। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया था, गरम होते ही मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल लिया था। ऑयल गरम होते ही मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून अजवाइन डाला था। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही चटकेंगे मतलब गरम हो गए हैं अच्छे से। इसके बाद मैंने स्लाइस किया हुआ जो प्याज है वो डाल लिया था, और इसको भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और साथ ही साथ इसमें मैं अपना चॉप किया हुआ प्याज भी डाल लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे हमने दो प्याज यूज़ किए थे, एक चॉप किया हुआ प्याज और एक स्लाइस किया हुआ प्याज। तो दोनों प्याज को जब मैंने डाल दिया था तो इसको अच्छे से मैं सॉटे कर लेंगे, और साथ ही साथ जो हमने टमाटर चॉप किए हुए थे वो भी डाल लेंगे। और इसमें मैंने 1 से 2 हरी मिर्च भी डाली थी, आप मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों को सॉटे कर रही थी अच्छे से। इस टाइम जब टमाटर अच्छे से मैश हो गया था ना, तो मैं इसको देख रही थी, अच्छे से चला रही थी कि जो मेरा मसाला है वो पक गया है। अब हम इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च हमने डाल दी थी हरी मिर्च, तो अगर आपको मिर्च डालनी हो अलग से तो आप डाल सकते हो, मैं नहीं यूज़ करूँगी। और हल्दी मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून यूज़ की थी। दोनों मसालों को अच्छे से यूज़ कर लेंगे। भिंडी में यहाँ पे बेसिक से मसाले डलते हैं, कोई भी इसमें फैंसी से मसाले नहीं हैं, जो आपके घर पे पड़े होते हैं वही मैंने मसाले अपने पास भी यूज़ करे हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा तड़का है वो अच्छे से रेडी हो जाए। हमारा तड़का रेडी हो गया था, ऑयल तड़के से निकल गया था। अब जो हमने भिंडी काट के रखी थी वो डाल लेंगे आराम से। आप भिंडी को बड़े बड़े भी काट सकते हो, लंबा लंबा भी काट सकते हो, बट मैंने यहाँ पे छोटा छोटा काटा है। अब मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ मैंने एक नींबू लिया था। नींबू से क्या होता है कि जो हमारी भिंडी लेसी होती है ना, वो लेस नहीं छोड़ती। तो आप ये स्टेप ज़रूर अपनाना अपनी लाइफ में, कि जब भी आप भिंडी बना रहे हो ना तो नींबू ज़रूर डालना। इससे जो आपकी भिंडी है ना वो लेसी लेसी नहीं बनती, खिली खिली बनती है। तो मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया था, 1 नींबू इस्तेमाल किया था, और इसको अच्छे से हिला देंगे। अब मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाया था, और साथ साथ ही मैं चला भी रही थी, क्योंकि जो भिंडी की सब्जी है ना वो जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो वही मैं चला रही थी और साथ साथ चेक कर रही थी कि क्या जो मेरी भिंडी है वो रेडी हो गई है। बट इस टाइम पे भिंडी नहीं हुई थी रेडी, तभी मैं इसको बार बार ढक के पका रही थी। इस टाइम पे भिंडी 5 से 8 मिनट के बाद जो भिंडी है वो रेडी हो गई थी। अब मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्ची डाली थी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला था। इससे जो भिंडी है ना बहुत करारी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, रोटी परौंठी के साथ एंजॉय करिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, उनको भी बहुत टेस्टी लगेगी, और बच्चों को भी खिलाइएगा। और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आप देख तो लेते हो मेरी वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करके जाते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।